शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। साथियों, जैसा कि वर्तमान समय में उच्च पद पे कार्य से संबंधित जो प्रक्रिया है सतत चल रही है, आज हम एजुकेशन पोर्टल पे जो शिक्षकों की वरिष्ठता सूची जारी की गई है, विषयवार हम देखेंगे कि कितने शिक्षकों का चयन उच्च पद के लिए किया गया है। तो आइए हम इस सूची को आज डाउनलोड करना भी सीखेंगे। संभाग के अनुसार एजुकेशन पोर्टल पे सूचियां अपलोड हो रही हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। साथियों, किसी भी ब्राउज़र में, चाहे गूगल या क्रोम में, आपको सर्च करना है एजुकेशन पोर्टल। तो एजुकेशन पोर्टल को हम सर्च कर लेंगे। इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है टू गो एजुकेशन पोर्टल, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे एक नया पेज ओपन होगा। इस तरह हम इसे जूम भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऊपर ही हमें यहाँ पे जो अपलोड की गई सूचियाँ हैं वे दिखाई देगी। जैसे हम देख रहे हैं उच्च पद, आप देख सकते हैं, का प्रभार दिए जाने हेतु प्राथमिक शिक्षक की विषयवार सूचियों का प्रकाशन। यहाँ पे उर्दू विषय की है, यह 12/7/2023 को अपलोड हुई है। इसके बाद हम देखेंगे उच्च पद का प्रभार दिए जाने हेतु प्राथमिक शिक्षकों की विषयवार सूचियों का प्रकाशन, ये हमारे विज्ञान विषय की हो जाएगी, जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए जो माध्यमिक शाला में प्रमोट होंगे। उच्च पद का प्रभार दिए जाने हेतु प्राथमिक शिक्षकों की विषयवार सूचियों का प्रकाशन संस्कृत विषय की, जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट थे शिक्षक साथियों के, उसी के आधार पर यह शिक्षकों की सूची जारी हुई है। उच्च पद का प्रभार दिए जाने हेतु प्राथमिक शिक्षक की विषयवार सूचियों का प्रकाशन, ये हो जाएगी हमारी गणित की। आइए अब हम इसे हम डाउनलोड भी करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे जो व्यू लिखा आ रहा है, जैसे हम मैथ्स की यहाँ पे सूची को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये व्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसके बाद ऊपर हमें यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड सर्कुलर, इस पे हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी सूची। इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे दिया है मोर, इस पे हम क्लिक करेंगे एवं इसे हम पीडीएफ पे ओपन कर लेंगे। तो इस तरह यह सूची डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम। आगे दिया है प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान संवर्ग की संभागवार संभाग स्त्री अंतिम वैशा सूची दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में। अब यहाँ पे गणित विषय के प्राथमिक शिक्षकों की यह सूची है। अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम बनाए गए हैं। तो सरल क्रमांक, वरिष्ठता का क्रमांक, जिले का नाम, शिक्षक लोक सेवक का नाम, यूनिक कोड पदनाम, स्कूल का नाम, जन्मतिथि, कैटेगरी, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता, स्नातक के विषय जो दिए गए हैं जो शिक्षक साथी के थे उसके आधार पे देख रहे हैं। इसके बाद वैसा की उक्ता डीएड, बीएड, प्रथम नियुक्ति दिनांक, अध्यापक संवर्ग में सम्मिलियन का दिनांक भी इस पे दिया है, अंतर निकाय सम्मिलियन की स्थिति में अंतिम सम्मिलियन की तिथि एवं संवर्ग में वरिष्ठता दिनांक। तो इस सूची में हम देख रहे हैं कि जो प्रथम नियुक्ति दिनांक, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 1998 से यह प्रारंभ हुई है इस सूची के अनुसार हम देख रहे हैं, और अंतिम अगर हम देखें तो जुलाई 5 जुलाई 2013 तक के शिक्षकों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
तो इस तरह हमने संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम की सूची देखी। इसी तरह आप साथियों शीघ्र ही समस्त जो संभाग हैं उनकी सूचियां अपलोड हो जाएंगी, आप यहां से डाउनलोड करके सूचियों में नाम चेक कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।